हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैलरी के बारे में कि सैलरी क्या है। इनकम टैक्स में आज हम जानेंगे सैलरी के बारे में, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में बताता है कि सैलरी क्या है। सैलरी का डिफिनेशन वहां बताया गया, क्योंकि अब आईटीआर फाइल करना है ना आप लोगों को। आईटीआर जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो आप फाइल करेंगे, तो उसके लिए जानना जरूरी है कि सैलरी क्या है। सबसे पहली बात समझिएगा, आपका मैं 10-15 मिनट तो टाइम लूंगा ही, तो अगर आपके पास टाइम हो तो वीडियो जरूर देखिए। अगर आप जल्दी में हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा। तो मैं हूँ राम प्रकाश गौतम, और अभी सैलरी पे चर्चा करेंगे। सैलरी में आपको वेजेज जो होता है वो सैलरी ही कहा जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सैलरी कब होता है, सैलरी की क्रिया कब होती है, हमेशा दो लोगों के बीच होती है, ये याद रखना है। एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। जब तक हमारा रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच नहीं है, तब तक सैलरी का लेन देन नहीं हो सकता है। इसलिए सैलरी कब मिलेगी हमें, जब हमारा रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होता है। तो सैलरी ना तीन रूप में मिलता है, एक वेजेज, एक सैलरी और एक डायरेक्टर रेमुनरेशन भी। ठीक है, डायरेक्टर रेमुनरेशन डीआर मैं लिख दिया हूं आपकी जानकारी के लिए, समझने के लिए, डायरेक्टर रेमुनरेशन। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना कि दो लोगों के बीच सैलरी होती है, और वो दोनों के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की। अब मैं थोड़ी सी आपको लेके कहाँ चलता हूँ, अकाउंट्स पे। अकाउंट्स में देखिएगा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग में वेजेज का खर्चा दिया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सैलरी की खर्चे लाए जाते हैं। तो वेजेज का मतलब होता है, अगर हम अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो हम लोग क्या करते हैं, वेजेज में जो लोग प्रोडक्शन से डायरेक्ट जुड़े होते हैं उन्हें जो सैलरी दी जाती है उसे वेजेज कहते हैं। ये तो एक जनरल आपको बुक्स मेंटेन करने के लिए परिभाषा दे दिया गया है, पर जो डेली बेस पे लोग काम करते हैं उन्हें भी जो सैलरी दी जाती है उसको वेजेज कहते हैं। मजदूर को मजदूरी दी जाती है, वे वेजेज है। ठीक है, तो सैलरी, वेजेज, डायरेक्टर रेमुनरेशन, ये तीनों चीज यहाँ पे कवर हो रहा है। अगर इस तीन रूप में कोई भी चीज आपको मिलता है तो वो आपका सैलरी कहलाएगा। यहाँ पे लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और फर्म के पार्टनर को जो आप सैलरी देते हैं वो क्या है, सैलरी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, वो सैलरी नहीं माना जाता है। पार्टनरशिप में जो पैसा मिलता है वो सैलरी नहीं है। उसके बाद आते हैं एन्यूटी और पेंशन। किसी भी तरह की आपको एन्यूटी दी जाती है या पेंशन मिल रही है तो ये आपका सैलरी के रूप में माना जाएगा, और इनकम टैक्स में आप सैलरी के रूप में इसे कवर करके टैक्स पे कर सकते हो। अगर आपको कंपनी ग्रेच्युटी देती है, ग्रेच्युटी का है ना 5 ईयर्स के बाद, 5 साल आप कंपनी में रहे हो तो, और 5 साल के बाद आप कंपनी छोड़ रहे हैं, तो कंपनी आपको ग्रेच्युटी देती है, और ये ग्रेच्युटी आपको टैक्सेबल है अंडर हिज सैलरी। उसके बाद किसी भी तरह का फीस अगर आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, कोई कमीशन देता है, टारगेट रहता है ना सेल्स वालों को कि 5 करोड़ का सेल कर दो तो मैं आपको 1% 2% कमीशन दे देंगे। किसी भी तरह की परक्यूजिट है या प्रॉफिट इन लieu ऑफ और एन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, कभी इंसेंटिव आपको दे दिया जाता है, तो ये सारे चीजें, ये सारे खर्चे आपको सैलरी में कवर होंगे। अब यहाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट देखना है, एनी एडवांस ऑफ सैलरी। कई बार आप क्या करते हो, सैलरी के लिए एडवांस लेते हो, तो एडवांस जो सैलरी का ले लेते हो वो आपका क्या कहलाएगा, सैलरी का इनकम कहलाएगा। इस पे जब चार्जिंग सेक्शन अभी हम पढ़ेंगे ना, इसके जस्ट इस स्लाइड के बाद आपको बताऊंगा सैलरी में चार्जिंग क्या है, बेस ऑफ चार्जिंग क्या है,
वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि एडवांस सैलरी का डेफिनेशन थोड़ा ज्यादा मैं देता हूँ आगे। लीव इन कैशमेंट आप समझते हैं, जिसको आप लोग लीव इन कैशमेंट को EL कहते हो, अर्न लीव। ये क्या होता है? अर्न लीव क्या होता है? जैसे कि अगर आपके 1 साल के 20 छुट्टी बन रही है और आपने 5-7 छुट्टी कर ली है, तो आपके पास जो 15 छुट्टी बच रही है उसको आपको लीव इन कैशमेंट दिया जाता है। लीव इन कैशमेंट के कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी अगले वीडियो में मैं अभी सैलरी पे ना पूरा कवर करूंगा, ताकि आप लोग जब अपना ITR फाइल करो तो सैलरी वाले पर्सन कम से कम खुद से कर लो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो लीव इन कैशमेंट का कैलकुलेशन मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन अभी आप ये चीज कंसेप्ट क्लियर करो कि लीव इन कैशमेंट जो आपको दिया जाता है, EL का जो पैसा मिलता है आपको अर्न लीव का, वो पैसा आपका एज अ सैलरी माना जाएगा। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूशन देता है किसमें, प्रोविडेंट फंड EPF होता है ना, उसमें अगर 12% तो मैंडेटरी है, अगर 12% से ज्यादा आपको दे रहा है एम्प्लॉयर पैसा, तो 12% से ज्यादा का जो अमाउंट है वो आपका सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD, ये जो अटल पेंशन योजना वगैरह आप देख रहे हो, इसमें अगर आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है तो वो आपको सैलरी माना जाएगा। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको चार्जिंग सेक्शन बताता हूँ। चार्जिंग सेक्शन में कि जो सैलरी पे आपको कब टैक्स लग जाएगा, इस कंसेप्ट को समझिएगा। सैलरी में कहा गया है कि सैलरी में चार्जिंग तब होना है, चार्ज तब होगा टैक्स आपका, इसका सेक्शन 15 है इनकम टैक्स के हिसाब से, याद रखिएगा। एज पर इनकम टैक्स का सेक्शन 15 जो है वो बेसिस ऑफ चार्ज बताता है सैलरी के बारे में, कि किस बेस पे आप सैलरी में टैक्स लगाओगे। तो पहली बात, अगर सैलरी ड्यू हो जाती है या आप रिसीट कर लेते हो, दोनों में जो पहले हुआ वहां पे टैक्स की लाइबिलिटी बन जाती है। अब इसको हम एक बार समझते हैं, ड्यू और रिसीट। सपोज करिए अभी जुलाई है, जून की सैलरी 30 जून को आपका एम्प्लॉयर ड्यू कर दिया, जी जून में जो आपने काम किए उसकी सैलरी आपको मिलनी है 2 जुलाई, 4 जुलाई, 7 जुलाई, जब भी मिले। तो 30 जून को जब ये चार्ज, मतलब जब ये ड्यू हो गया आपका, बुक्स में पेबल की एंट्री पड़ गई, तो वहां पे एम्प्लॉयर का काम बन जाता है कि इस पे TDS काट ले वो, और TDS काट ले यानी कि टैक्स उस पे लगा देगा ये एम्प्लॉयर आपका। और या पहले सैलरी आपको मिल गई ड्यू होने से पहले, जैसे 30 जून को ये ड्यू करते हैं और आपको 12 जून को ही दे दिए, जैसे मैंने आपको बताया एडवांस में, तो उस केस में आपको जो पहले हो रहा है वहीं पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। जैसे इसका एक चीज और समझिए, आपको मार्च की सैलरी, मार्च 21 जो ये अपना मार्च का महीना था, मार्च 2021, इसकी सैलरी आपको कब मिलेगी? अप्रैल में मिलेगी। अप्रैल में मिलना है, यानी कि अप्रैल में मिलने के मतलब हो गया कि इसका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, यानी कि ये आपको कब मिलना है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, जबकि ये था कब का, 20-21 का था। 20-21 की सैलरी जो आपकी है वो ड्यू तो कब हो गई, मार्च 21 में, लेकिन मिलना कब है, अप्रैल 21 में, यानी 20-21 की सैलरी आपको कब मिल रही है, 21-22 में, दूसरे साल मिल रही है। तो अप्रैल में जब वो सैलरी मिलेगी
तो ड्यू कब होगी, इसका रिटर्न में जब आप इफेक्ट डालोगे तो क्या मार्च वाली सैलरी का क्या अप्रैल 21-22 में लोगे? नहीं, आप फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021 का जो है उसी में मार्च 21 में आपका टीडीएस कटना है, यानी कि ड्यू बेसिस पे आपका टीडीएस कटना है, इनकम टैक्स कटना है। जबकि रिसीट यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ कि रिसीट बाद में हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है। तो मार्च की सैलरी आप कब लोगे? अप्रैल में। लेकिन टैक्स कहाँ लग जाएगा आपको? 2021 में, ना कि 21-22 में। यहाँ नहीं लगना है, यहाँ पे लगना है, ठीक है। हाउएवर वेयर एनी सैलरी पेड इन एडवांस, अब देखो सैलरी एडवांस में मिलता है, ठीक है। जैसे अब आपके घर में शादी है किसी की, 1 लाख रुपये आपकी सैलरी है, सैलरी मिलना है 7 जुलाई को, जून वाली। अब आपने बॉस को कहा कि बॉस यार मुझे आप एडवांस दे दो, बॉस ने एडवांस दे दिया, तो ये तो उसी साल में अगर आप पे कर दिए तो वहां पे तो मामला ठीक है। लेकिन ईयर चेंज हो रहा है, जब ईयर चेंज हो रहा है तो उसी समय मार्च में अगर आपने सैलरी ले लिया है, अप्रैल का एडवांस सपोज कर लो मार्च 21 में, तो मार्च 21 में जब आपने ले लिया, समझना ध्यान से चीजों को, जब आपने मार्च 21 में ले लिया अप्रैल वाली सैलरी भी पहले ले लिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिसीट बेसिस पे आपको टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि अप्रैल में तो आप लोगे नहीं, तो इसलिए वहां पे एडवांस में आपको देना पड़ेगा। और नेक्स्ट ईयर में जिस समय ये ड्यू होगा वहां पे प्राउड फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, वहां पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम कहें, इफ द सैलरी पेड इन एरियर्स हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड ऑन ड्यू बेसिस, द सेम कैन नॉट बी टैक्स्ड अगेन व्हेन इट इज पेड। अब देखो एरियर की बात करते हैं, क्या हो रहा है अभी कई जगह पे, क्या होगा आप लोगों को कि सैलरी बढ़नी थी अप्रैल में, बट सैलरी बढ़ रही है मई में, ठीक है ना। जब अप्रैल की सैलरी मई में आपको बढ़ के मिलेगी तो आपको मई की तो नहीं मिलेगी, अप्रैल की भी मिलेगी, तो अप्रैल की मिलेगी यानी कि एरियर आपको मिल रहा है, तो एरियर जब आपको मिल रहा है और अगर वो एरियर एसेस्ड हो चुका है, एसेसमेंट में हो चुका है, उस पे टैक्स लग चुका है, तो अगले बार अगले साल उसको एसेस नहीं किया जाएगा। जैसे अगर मार्च में आपका सैलरी बढ़ना था और वो सैलरी आपकी बढ़ के कब आ रही है, अप्रैल में, समझिएगा, इतना सैलरी पेड इन एरियर्स हैज ऑलरेडी बीन एसेस्ड, लेकिन जो मार्च में बढ़ने था सैलरी आपकी बढ़नी थी मार्च 21 में, जबकि बढ़ के मिल रही है अप्रैल में, या कोई कंपनी जनवरी से बढ़ाती है तो जनवरी में बढ़नी थी सैलरी बट मिल रही है मुझे अप्रैल में, फाइनेंशियल ईयर यहाँ चेंज हो रहा है, तो ड्यू जिस समय हो गया यानी जनवरी से ही आपका, जनवरी 2021 से ही आपका टैक्स लगेगा, चाहे ये मिले आपको 21-22 में आ करके, यानी अप्रैल 2021 में भी अगर आपकी मिलती है अप्रैल 2021 में भी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं लगना है टैक्स। टैक्स कहाँ लगना है? प्रीवियस में लगना है, मार्च महीने में लगना है, सॉरी, अगर मार्च में बढ़ रही है आपकी सैलरी और वहीं पे असेस कर लिया गया है तो वहीं पे आपको टैक्स लग जाएगा। जनवरी से बढ़नी थी सैलरी और तो जनवरी फरवरी मार्च इस 3 महीने में ही ड्यू हो चुकी है, आपका एम्प्लॉयर वहीं पे टीडीएस काट लेगा। ये नहीं कि अगर अप्रैल में आपको मिल रही है सैलरी तो अप्रैल में सैलरी पे टीडीएस कटना है, नहीं, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। मिले भले आपको अप्रैल 2021 में, लेकिन ड्यू हो चुका था जनवरी में ही या मार्च में ही, या मान लीजिए दिसंबर 2020 में, तो उसी समय प्रोविजन के साथ आपको भले दिया नहीं गया पैसा, लेकिन उस पे टीडीएस लग जाना है, आपका टैक्स लग जाना है। तो
तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि सैलरी क्या है। सबसे पहले ये जान लिए हम लोग। चार्जिंग सेक्शन हम आपको बता चुके हैं कि चार्जिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन 15, और सैलरी का डेफिनेशन किस में है, सेक्शन 17 में है, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें याद रखना है कि इनकम टैक्स में ना, जब भी सैलरी मतलब चार्ज होगा, सैलरी पे टैक्स लगना है या सैलरी मिलना है, तो पेयर और पेई के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। आगे ईएल लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं हम, ग्रेचुटी की, पेंशन के, और उसके बाद में सेक्शन 80C से लेके TU तक हम सारे डिडक्शन के भी डेफिनेशन लेके आएंगे, महामंथन करेंगे इनकम टैक्स की सैलरी पे, ठीक है ना। और तब आप अपना टैक्स बचाना। तो थैंक यू, बाय बाय।